हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी वुमेन। और ये मेरा न्यू चैनल है, और मेरा पहले एक चैनल था नेचर ब्यूटी, और वो किसी वजह से बंद हो चुका है। तो मैंने ये नया चैनल शुरू किया है, और प्लीज़ इसे सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसमें नेचर से रिलेटेड आप लोगों से वीडियो शेयर होगी, और जो भी हम फसलें लगाते हैं, चाहे वो बगीचा है, चाहे वो खेत है, कोई भी फसल है, टमाटर, शिमला मिर्च, जो जो भी हम मतलब अपने खेतों में लगाते हैं, हमारी जो रूटीन्स रहती है, तो वो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे हम लोग। तो आज आप देख रहे होंगे मैं बगीचे में हूँ, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। तो सेब तोड़ान के बाद हम लोगों ने सेब तोड़ान के बाद जो भी उसमें हम शेड्यूल जो उसका चलता है, जैसे कोई स्प्रे है या फिर आपका खाद है, वो हम इसमें आज डाल रहे हैं। और हम इसमें जो स्प्रे यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यूरिया और ब्लाइटॉक्स की। ब्लाइटॉक्स में कॉपर होता है, और वो काम करता है आपका जो सेब तोड़ाने के बाद जिसमें जख्म लग जाते हैं उस चीज़ को वो भरता है। और उसका जो जो भी पेड़ के मतलब पत्तियों की, टहनियों की जो भी न्यूट्रिएंट कम होती है उसे मतलब पूरा करता है। और पौधे में दूसरा जो हम खाद डालते हैं वो खाद भी इसलिए डालते हैं जो पेड़ की पोषक तत्व जो कम हो जाते हैं उसको दोबारा लाने के लिए उसमें हम खाद वगैरह डालते हैं। तो आज मतलब जैसे ही हम 8-9 दिन के बाद हम लोग इसमें स्प्रे और खाद डाल रहे हैं। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबके अपना अपना शुरू होता है कि इस तरह से सबको अपने बगीचे का मतलब पता होता है कि हमारे बगीचे को किस तरह की ज़रूरत है। तो पहले तो दोस्तों जो मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि अगर आप तना मजबूत रखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो पूरा पेड़ है वो नेचुरल ही अच्छा रहेगा, ना पत्तियों में कोई मतलब बीमारी आएगी और ना ही कुछ और कोई भी दिक्कत आएगी उसमें। तो इसलिए आप जब भी बरसात में खाद डालते हो तो उसमें वो जो तौलिया है वो पूरा उसके आसपास कोई भी घास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर जड़ स्ट्रांग रहेगी तभी आप का जो पौधा है वो मजबूत रहेगा, और उसमें जो फ्रूट लगेगा वो बहुत अच्छा लगेगा और नेचुरल तैयार होगा। आपको ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पत्तियों में कोई बीमारी लग गई। तो इस वजह से हम लोग जितना कम हो सके केमिकल यूज़ कीजिए, और नेचुरल जो चीज़ें होती है उन्हें आप ज़्यादा लीजिए। जैसे हम लोगों ने अभी खाद डाली है तो हम दिसंबर तक इसमें गोबर डाल देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए जो हमने इसमें खाद डाली है उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने खाद डालने का काम कंप्लीट कर लिया है, और आपको दिख रहा होगा हमने सारा घास पीस से निकाल दिया था, और हम स्प्रे और खाद डाल के फारिग हो चुके हैं। और इसके बाद जो भी आगे का शेड्यूल होगा आप लोगों के साथ हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे उस चीज़ की। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने बगीचे को बहुत अच्छा बनाऊँ। तो आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।